हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम पाठ नीलू के भाग दो का अध्ययन करेंगे। हमने भाग एक में पढ़ा कि लूसी की मृत्यु हो गई थी और लूसी का एक छोटा बच्चा था, उसे लेखिका महादेवी वर्मा अपने साथ अपने घर ले आई थी। बड़े होने पर रोमों के भूरे, पीले और काले रंगों के मिलन से जो रंग बना था वह एक विशेष प्रकार का धूप छाई हो गया था। लूसी का जो वो बच्चा था, जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगा तो उसके जो रोम थे, उसके शरीर के जो बाल थे, वो कुछ भूरे, पीले और काले रंग के थे और उनके मिलने से उसका जो वो रंग था ऐसा लग रहा था जैसे धूप और छाया आपस में मिल गए हों, इस तरह का रंग था। धूप पड़ने पर एक रंग की झलक मिलती थी, छाया में दूसरे रंग की और दिए के उजाले में तीसरे रंग की झलक मिलती थी। कानों की चौड़ाई और नुकीलेपन में भी कुछ नवीनता थी, यानी कि कुछ नयापन था। उसके कानों कुछ अधिक चौड़े थे और नुकीले भी थे। सिर ऊपर की ओर अन्य कुत्तों के सिर से बड़ा और चौड़ा था, जैसे दूसरे सामान्य कुत्ते होते हैं उनसे इस कुत्ते का सिर थोड़ा बड़ा और चौड़ा था और लंबोतरा पर सुडोल, लंबोतरा मतलब लंबाई की ओर गोलाई लिए हुए और सुडोल यानी कि अच्छे शरीर, हष्ट पुष्ट शरीर का था वो। पूंछ अल्सेशियन कुत्तों की पूंछ के समान सघन अर्थात घनी रोमों से युक्त पर ऊपर की ओर मुड़ी कुंडलीदार थी, मतलब ऊपर की ओर मुड़ी हुई थी, घनी तो थी परंतु ऊपर की ओर मुड़ी हुई, कुछ घूमी हुई थी। पैर अल्सेशियन कुत्ते के पैरों के समान लंबे पर पंजे भूटिए के समान मजबूत, चौड़े और मुड़े हुए नाखूनों से युक्त थे। उन गोल और काली कोर वाली आंखों का रंग शहद के रंग के समान था, उसकी जो आंखें थी वह शहद के रंग के समान थी, जो धूप में तरल सुनहला हो जाता था और छाया में जमे हुए मधु सा पारदर्शी लगता था। पारदर्शी अर्थात जिसके आर पार देखा जा सके ऐसा लगता था, अर्थात लूसी का जो बच्चा था उसमें अल्सेशियन कुत्ते की प्रजाति जो होती है उसकी जो विशेषता होती है वह भी उसमें थी। और चूंकि उसका पिता एक भूटिया कुत्ता था, एक पहाड़ी कुत्ता था, तो उसकी कुछ विशेषताएं भी उसके अंदर थी और इन दोनों के मिलने से वह अन्य कुत्तों से बहुत ही अलग दिखता था। आकृति की विशेषता के साथ उसके बल और स्वभाव में भी विशेषता थी। ऊंची दीवार भी वह एक छलांग में पार कर लेता था। रात्रि में उसका एक बार भौंकना भी वातावरण की स्तब्धता को, अर्थात वातावरण में जो शांति होती थी उसको कंपित कर देता था, यानी कि वह शक्तिशाली और बलशाली भी था। अब लेखिका यहाँ पर कह रही हैं कि मैंने अनेक कुत्ते देखे और पाले हैं, किंतु कुत्ते के दैन्य से रहित, कुत्तों में एक दीनता की भावना होती है, उनको देखकर हमको उन पर दया आती है, ऐसी वो दैन्य से रहित था। वो जो कुत्ता था लूसी का वो दैन्य से रहित था, मतलब उसके अंदर ऐसी कोई दीनता की भावना नहीं थी। और उसके लिए अलभ्य दर्प से युक्त मैंने केवल नीलू को ही देखा है, यानी कि अन्य कुत्ते में जहाँ दीनता की भावना होती है वहाँ पर उस कुत्ते में दर्प की भावना थी, यानी कि एक गर्व की भावना थी। उसको क्या नाम दिया यहाँ पर लेखिका वर्मा ने, नीलू नाम दिया है। नीलू को जो बच्चा था उसको उन्होंने नीलू नाम दिया है। उसके प्रिय से प्रिय खाद्य को भी यदि अवज्ञा के साथ फेंक कर दिया जाता तो वो उसकी ओर देखता भी नहीं था। यदि उसकी मनपसंद वस्तु खाने के लिए उसको दी जाती लेकिन अगर वो फेंक कर दी जाती तो वो उसको अपना अपमान समझकर नहीं खाता था। खाना तो दूर की बात थी, वह उसे देखता भी नहीं था। यदि उसे किसी बात पर झिड़क भी दिया जाता तो बिना मनाए वह मेरे सामने ही न आता था। विगत 12 वर्षों से, यानी कि विगत मतलब जो गुजर गए, पिछले 12 वर्षों से उसका बैठने का स्थान मेरे घर का बाहरी बरामदा ही रहा। वह लेखिका के घर का जो बाहर का बरामदा था वहीं बैठता था, जिसकी ऊपरी सीढ़ी पर बैठकर वह प्रत्येक आने जाने वाले का निरीक्षण करता रहता था। मुझसे मिलने वालों में वह प्राय सबको पहचानता था। किसी विशेष परिचित को आया हुआ देखकर वह धीरे धीरे भीतर आकर मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। उसका इस प्रकार आना ही मेरे लिए किसी मित्र की उपस्थिति की सूचना थी। मुझसे आ रही हूँ सुनने के उपरांत वह पुनः बाहर अपने निश्चित स्थान पर जा बैठता था। बाहर बरामदे में नीलू हमेशा बैठी रहती थी।
और जब कोई परिचित लेखिका से मिलने आता था तो पहले नीलू जाकर लेखिका को सूचित कर देती थी और लेखिका उससे कह देती थी मैं आ रही हूँ, तभी नीलू वहां से वापस आकर बरामदे में बैठती थी। कुत्ते भाषा नहीं जानते लेकिन ध्वनि पहचानते हैं, ध्वनि अर्थात वो आवाज को पहचानते हैं। नीलू का ध्वनि ज्ञान इतना विस्तृत और गहरा था कि उससे कुछ कहना भाषा जानने वाले मनुष्य से बात करने के समान हो जाता था। बाहर या रास्ते में घूमते हुए यदि कोई उससे कह देता गुरुजी तुम्हें ढूंढ रही थी नीलू, तो वह विद्युत गति से, विद्युत मतलब बिजली की सी गति से, बहुत ही तीव्र गति से चार दीवारी कूदकर मेरे कमरे के सामने आकर खड़ा हो जाता। फिर कोई काम नहीं है जाओ कहने से पहले वह मूर्तिवत अर्थात मूर्ति के समान न हिले न डुले कुछ नहीं, मूर्ति के समान एक स्थिति में ही खड़ा रहता। कभी कभी मैं किसी कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी उपस्थिति जान ही नहीं पाती और उसे बहुत समय तक बिना हिले डुले खड़ा रहना पड़ता था। हिंसक और क्रोधी भूटी ये बाप, उसका जो पिता था नीलू का, वह कैसा था? हिंसक और क्रोधी स्वभाव का था। तो ऐसा पिता और आखेट प्रिय अल्सेशियन माँ, नीलू की जो माँ थी लूसी वह अल्सेशियन जाति की थी और आखेट प्रिय यानी कि शिकार प्रिय थी, उस माँ से जन्म पाकर भी उसमें हिंसा प्रवृत्ति का कोई चिन्ह नहीं था, अर्थात नीलू के अंदर अपने पिता की हिंसक प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं थी। 13 वर्ष के जीवन में ही उसे किसी पशु पक्षी पर झपटते या उसे मारते नहीं देखा गया। उसका यह स्वभाव मेरे लिए ही नहीं सब देखने वालों के लिए भी आश्चर्य का विषय था। लेखिका महादेवी वर्मा का कहना है कि उनके घर में उन्होंने और भी पशु पक्षी पाल रखे थे लेकिन उन्होंने 13 वर्षों में कभी नहीं देखा कि नीलू ने किसी अन्य पक्षी को या वहाँ पर जो पाले हुए पशु थे उनमें से किसी को चोट पहुँचाई हो।